अभी जैसे आपने बोला कि आप फर्स्ट क्लास में है, तो आपको कैसे 9th या 10th का पढ़ा दिया जाए? तो जैसे अभी आपने बोला था, तो जैसे आप 6 to 18 एज ग्रुप लेते हैं पढ़ाने के लिए, तो 6 या 7 ईयर है, तो मतलब अभी वो मतलब आप हार्डली मान लीजिए फर्स्ट या सेकंड क्लास में होगा बच्चा, यूजली होता है। तो उस केस में वो फिर आप जैसे जानते हैं कि अगर हमें कोडिंग करना, हम कोई भी ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट जो होते हैं यूजली हाई क्लास के यूज होते हैं, मतलब 9th के अबव के यूज होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट क्लास का बच्चा उस कॉन्सेप्ट को कैसे सीख सकता है अभी? वो कैसा होता है, कोई भी बच्चा देखिए, अभी अगर अब आपके एज का बच्चा रहेगा तो हम उसको बता सकते हैं कि इधर ये ब्रैकेट डालो, इधर ये ब्रेसेस डालो, और ये चीज ऐसे करके इसको सॉल्व करो, ठीक है। वही अगर छोटा बच्चा है ना, तो उसको एक गेम के इसमें समझाया जाता है कि अगर ये चीज को इधर से इधर बढ़ाना है हमको, समझो अगर 2 कदम आगे बढ़ के 3 कदम लेफ्ट लेना है, तो उसको बताया जाता है कि ओके अभी क्या करोगे, 2 कदम आगे, ओके तो इधर क्लिक करो, 2 स्टेप फॉरवर्ड। सर आप बेसिकली छोटे बच्चों को मतलब कोडिंग लिखना नहीं सिखाते, एक ऐप से या उनको कोई गेम बनवाना सिखाते हैं? गेम थ्रू पढ़ाया जाता है, गेम के थ्रू, अच्छा, तो सर गेम है कॉन्सेप्ट्स ना तो मतलब एक। यूज नहीं कर सकते वो, मतलब छोटे बच्चे तो नहीं बना सकते इंडिविजुअली ऐप? आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। कैसा होता है ना, बच्चों को अभी कोई भी बच्चे को आप ABCD लिखना सिखाओगे, ठीक है, वो पहले बारी में वो एक छोटे ब्रैकेट में ए नहीं लिखेगा, पहले बड़े में लिखेगा, फिर उसके बाद थोड़े बड़े में, फिर ऐसे ऐसे करते 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 आप उसको एक कॉलम दोगे, भाई इतने में ही तेरे को लिखना है, ठीक है, इतने में ही तुमको ए ड्रॉ करना है। तो वैसे ही होता है, बच्चे बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको डायरेक्ट हम अगर पढ़ने के लिए सिखा देंगे ना तो नहीं पढ़ पाएगा, आपको भी पता है। बच्चों को ABCD हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ऐसे बोल के सिखाया जाता है। हाँ जी, तो अगर बच्चों को उस चीज के लिए एंग्रोस, क्योंकि ये कुछ गलत चीज तो हम सिखा नहीं रहे, उनको कुछ हाँ अच्छी चीज ही सर, एक सिखा रहे हैं कि हाँ यस सर, जी पढ़ने की ही चीज सिखा रहे हैं, कुछ यस सर, ऐसी गलत चीज तो नहीं सिखा रहे कि भाई जाओ तुम बाहर जाके ये मस्ती करो ना वो मस्ती करो। हाँ हाँ सर, पर एक वो अच्छी सीखने की आपको चीज है। तो मतलब कैसा हो जाता है कि अभी आप लूडो खेलते हो, लूडो खेलते हो, लूडो में अगर आप ये डाइस घुमाते हो या जो भी करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको ये नंबर चाहिए, या सांप सीढ़ी में सांप घुमाते हो तो 2 नंबर के लिए कितना 2 कदम आगे बढ़ना है, तो बच्चे को वैसे सिखाया जाता है। फिर उसके बाद उसको बोला जाता है अच्छा ठीक है, फिर इधर आप जाओ, इधर आ जाओ, अच्छा क्या लिखा है ये, अच्छा ये ऐसा है, तो ये चीज के लिए आपको ये चीज करना पड़ेगा, ओके तो सर, तो बच्चा उसी तरह मतलब कॉन्सेप्ट ये करता है। एट द एंड मतलब अभी छोटा बच्चा है तो इंडिविजुअल मतलब ऐप बनाना तो नहीं सीख सकता ना? जी ऐप, हम उसको ऐप बनाना ऐसे तुरंत नहीं सिखाएंगे, हम उसको पहले गेम के थ्रू, लाइक जैसे एक बच्चा है तो उसका मेन ध्यान किधर रहेगा, गेम के इसमें रहेगा कि हाँ मेरे को थोड़ा खेलने मिल रहा है, ठीक है। हाँ तो गेम के इसमें उसका ज्यादा ध्यान रहेगा, ओके, तो गेम के थ्रू हम उसको बोलते हैं कि 2 कदम आगे बढ़ो, लेफ्ट मुड़ो, 3 कदम इधर आओ, ओके अभी ये चीज, ये इंसान को 2 कदम आगे बढ़ा के लेफ्ट घुमा के 2 कदम लेफ्ट में घुमाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ओके तुमको उसके लिए ये करना पड़ेगा। यस सर, तो सर इसके लिए एक कोडिंग बेसिक वगैरह भी फॉल्ट, लिखनी होती है, वो तो नहीं लिख सकता छोटा बच्चा? वो लिख नहीं सकता, पर वो जो 2 कदम आगे 2 कदम लेफ्ट और राइट का जो रहता है ना, उसी चीज में उसको वो बाद में जब वो देख सकता है कि हाँ ये चीज के लिए क्या मेरे को लिखना पड़ा, ओके आई हैव टू सी दिस, तो उधर करेगा कि ओके प्लीज मेक इट विजिबल करके उधर रहेगा, प्लीज मेक कोड विजिबल, ओके वो यस सर, कोड कोड नोटेड डॉट ओ आर सर, जी के इसमें रहता है, तो यस वो मुझे विजिबल देखा करेगा तो मैंने, उसको दिखेगा अच्छा ये चीज के लिए मेरे को ये 2 लाइन लिखना था, ये दो लाइन रहता है, अच्छा ठीक है ऐसा है। और उसके साथ साथ उसके मम्मी पापा या कोई उसके गार्जियन रहते हैं, नहीं तो टीचर्स रहते हैं उस लेवल की, टीचर्स हम लोग को उस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे आपको आपकी टीचर समझा रही हैं, पढ़ा रही हैं, वैसे बच्चे लोग को उस हिसाब से टीचर लोग समझाते हैं और पढ़ाते हैं। यस सर, पर सर ये इतना छोटे एज ग्रुप में मतलब एक बर्डन जैसा नहीं हो जाएगा कि अभी से आप उसे ऐप बनाना सिखा रहे हो? वैसे तो वो मतलब जैसे मैं पता भी नहीं होता कि हमें आगे क्या करना। वापस बता रहा हूँ, ऐप बनाना वो जब एक एक एज पे आ जाएंगे तब जाके उनको एक चीज के लिए बताया, अच्छा अब आप जैसे अभी बच्चा अभी 4थी या 5वीं में आ गया, ठीक है, 4th या 5th में आ गया, तब उसका IQ लेवल और अच्छा हो जाता है, ठीक है, और वो एज ऐसा है कि वो एज में आप उनको जो सिखाओगे वो फटाक वो एकदम जल्दी से ग्रैप्स करेंगे, यस सर, ओके जल्दी से ग्रैप्स करते हो और उस चीज को तुरंत सीखते हैं। हाँ
आप जब उनको एक एक उम्र से वो चीज सिखा रहे हो, हम आपको बता रहे हैं अभी आप साइकिल चलाना, आपको पहले आपके पापा ने क्या बोला रहेगा, लेफ्ट पैडल पे मारो फिर राइट पैडल मारो, तब सर, जाके साइकिल आगे बढ़ेगी ना। यस वैसे सर, बच्चे को हम गेम के थ्रू सिखाते हैं, दो कदम इधर फिर दो कदम इधर, ओके ये चीज, ये एक कार्टून को आप लाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, दो कदम इधर चढ़ाना था, ओके दो कदम इधर चढ़ाना था, ओके अब ये दो कदम, ये दो कदम, ये चार कदम के लिए आपको क्या करना है, इधर जाओ इधर जाके क्लिक करो तो इधर आपको पता चले, ओके हाँ ये दो लाइन का चीज मेरे को लिखना है इसमें। तो उस हिसाब सर से बच्चा गेम के थ्रू, आप गेम के थ्रू आप अगर सिखाएंगे तो बच्चा भी अच्छे से सीखेगा ना। यस सर, तो अगर सर 6 या 7 साल खासकर का बच्चा आपसे जुड़ रहा है, तो उसे क्या रेगुलरली 3-4 साल का कोर्स करना पड़ेगा जी वो सीखने के पेरेंट के लिए? ऊपर है, पेरेंट कब तक उसको कराना चाहते हैं अच्छा, जी, तो उस कोचेज केस भी पे हम काफी ज्यादा देखे, उस केस पे एक्सपेंसिव होते देखे, हैं। देखे उसके उसके रिलेटेड हम आपको कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए एंड ऑफ वीडियो आपके पेरेंट है। अभी